है यहाँ पे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, यह ख्याल उनके दिमाग में आया, इतना यही काफी नहीं था हिम्मत के लिए। उस यात्रा को अंजाम तक पहुंचाना, उस यात्रा को करना, बारिश में, ठंड में, गर्मी में, कोहरे में, उस यात्रा को निरंतर जारी रखना, यह कमाल था। हमारे अधिकांश नेता जो हैं वो इस तरह की मेहनत नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि किसी दलित के घर पे जाएंगे, होटल से मंगाया हुआ खाना खा लेंगे और कहेंगे देखिए हम कितने दलित प्रेमी हैं। आपने देखा होगा कि कैसे हमारे गृह मंत्री और दूसरे कई बड़े नेता इस तरह दलितों के यहाँ, आदिवासियों के यहाँ जाते हैं और अब वे कहते हैं कि देखिए हम कितना उद्धार करना चाहते हैं, हम तो सबको बराबर समझते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा में ऐसा कुछ भी नहीं किया, रूटीन में चले, जो व्यक्ति मिला उसे गले लगाया, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, समाज के बहुत सारे वर्ग के लोगों से वो मिले और लोगों ने जो रिस्पॉन्स उनको दिया उससे न केवल राहुल गांधी में विश्वास आया, आत्मविश्वास आया, बल्कि पूरे देश के लोगों को राहुल गांधी के प्रति विश्वास की वापसी हुई। जब कांग्रेस यूपीए की सरकार थी दो टर्म, तब लोगों को भरोसा था कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता ऐसा कोई काम नहीं होने देंगे जिससे मार्जिनल आदमी, सीमांत व्यक्ति को कोई परेशानी होगी। जो योजनाएं बनाई गई, चाहे मनरेगा हो या दूसरी योजनाएं, शिक्षा का अधिकार हो, सारी योजनाएं उसी वक्त बनी थी, निर्मल भारत, स्वच्छ भारत हो गया, आप सारी बातें देख लीजिए, लेकिन वो सारी योजनाएं उसी दौर में बनी थी। शिक्षा का अधिकार दिया गया, सूचना का अधिकार दिया गया, वो अधिकार जो लोगों को ने मांगे नहीं थे, कोई आंदोलन नहीं हुआ था कि हमें सूचना का अधिकार चाहिए, लेकिन यूपीए की सरकार ने वो अधिकार दिए। और ये भी कहा जाता है कि उन अधिकारों के कारण ही कांग्रेस को फजीहत का सामना करना पड़ा, यूपीए की सरकार को फजीहत का सामना। वो आत्मविश्वास उस व्यक्ति में हो सकता है जो अपने मन से बिल्कुल पाक साफ हो। अगर आपके मन में मलिनता होगी तो आप इस तरह के ख्याल कभी ला नहीं सकते, कोई हिम्मत ऐसी नहीं कर सकते जो राहुल गांधी ने की। और पटना में 23 तारीख को जो विरोधी, सभी विरोधी दल मिल रहे हैं बहुत सारे, और उसका नेतृत्व तो नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो ये भी याद दिला दूं आपको कि ये राहुल गांधी की मंशा थी, वरना लोग तो चाहते थे कि राहुल गांधी इस तरह की बैठक का नेतृत्व तो करें, लेकिन उन्होंने ये मौका नीतीश कुमार को दिया है ताकि ये बात न कही जाए कि राहुल गांधी इस तरह के नेतृत्व करना चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में वो गुजरात बार बार नहीं गए, हिमाचल प्रदेश गए ही नहीं, एक ही बार गुजरात गए। उनका लक्ष्य चुनावी बिगुल बजाना, चुनाव में वोट मांगना नहीं रहा, ये बात स्पष्ट है। अब पटना में क्या होने वाला है, ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि पटना में बहुत सारे नेता आएंगे जो राहुल गांधी को चाहते हैं मन से, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं राहुल गांधी की आगे आने से उनकी सत्ता खतरे में न पड़ जाए, ये खतरा उन्हें नजर आता है। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो या केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो या स्टालिन हो, इन सबको लगता है कि कहीं कांग्रेस वापस मुख्य सफे पे आ गई तो वो हाशिए पर न धकेल दिए जाए। सीताराम येचुरी हो, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य, इन सब लोगों को लगता है कि अगर राहुल गांधी मुख्य सफे पे आ गए तो उन्हें हाशिए पर जाना पड़ेगा और ये उनकी राजनीति के लिए बड़ा बड़ा खतरा होगा, ऐसा उन्हें लगता है। एक और बात है कि जो जो ममता बनर्जी, अभी आपने उनके एक बयान का जिक्र किया कि वो किस तरह की बातें कर रही थी, जो ममता बनर्जी कांग्रेस के बारे में से असम्मानजनक शब्द बोलती थी, उन्हें ये लगता है कि कहीं अगर कांग्रेस और वामपंथी मिलकर बंगाल में चुनाव लड़ेंगे तो ममता बनर्जी का क्या होगा, उन्हें असुरक्षा की भावना है। केजरीवाल बीजेपी से डरे हुए हैं, सीबीआई से डरे हुए हैं और ईडी से डरे हुए हैं, उनकी चिंता है कि क्या करूं मैं, कि अगर ये लोग आ गए तो मेरी राजनीति कहीं खतरे में न पड़ जाए, कांग्रेस मुख्य सफे पे आ गई। अभी भी केजरीवाल जिस तरह से कांग्रेस की जगह अपने आप को रिप्लेस करने की सोचते हैं वो काफी हद तक चर्चा में है और केजरीवाल ने खुद अपनी विश्वसनीयता खो दी है। लेकिन इन सारे नेताओं को राहुल गांधी के साथ आना, पटना में नीतीश कुमार की बुलाई बैठक में जाना, इन सबकी मजबूरी है कि राहुल गांधी ने जो चमत्कार दिखाया है, जो कमाल दिखाया है, उससे ये लोग हतप्रभ हैं। इन्हें विश्वास नहीं था कि राहुल गांधी इस तरह से फिनिक्स की तरह वापस आएंगे और एक तरह से
वापस भारत की राजनीति में मुख्य धारा में मुख्य स्थान पर ध्रुव तारे की तरह या धूम केतु की तरह आएंगे, इनमें से किसी को अंदाज नहीं था। उन्हें लगा कि वे जो राजनीति कर रहे हैं वही सर्वोच्च है और सब ये सब क्षेत्रीय क्षत्रप है। जितने भी लोग आ रहे हैं आप देखेंगे कि ये सब क्षेत्रीय क्षत्रप है, चाहे ममता बनर्जी हो या उद्धव ठाकरे हो, केजरीवाल हो, सोरेन हो, स्टालिन हो, ये सब क्षेत्रीय नेता हैं। कांग्रेस के विशाल बहुमत के सामने, कांग्रेस को मिले 12 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के सहयोग के बाद इनमें से किसी की भी हैसियत उसका 20% से अधिक नहीं है। तो इन लोगों की मजबूरी है कि ये राहुल गांधी के कमाल के आगे नतमस्तक हों और सोचें कि राहुल गांधी की सदाशयता का उपयोग, राहुल गांधी की उदारता का उपयोग किस तरह 2024 के चुनाव में करें। इन सब लोगों के मन में कोई पवित्र भाव राहुल गांधी के प्रति हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी के विदेश में होने के कारण बैठक 12 के बजाय 23 को हो रही है। राहुल जिस दिन हमारे मैं फिर कहूंगा कि अमेरिका जा रहे हैं वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी की जगह कोई भी प्रधानमंत्री होता, XYZ होता, तो वो वहां जाके अमेरिका में बात करता जो बाइडन से। तो नरेंद्र मोदी यहाँ गौण है, लेकिन राहुल गांधी जब अमेरिका गए तो वो राहुल गांधी गए थे, जो एक सांसद भी नहीं है, जो मंत्री नहीं है, जो प्रधानमंत्री नहीं है। तो एक एक साधारण व्यक्ति का, साधारण नागरिक की अमेरिका में यात्रा, अमेरिका में उस व्यक्ति का स्वागत, उस अमेरिका में एक नेता का खुलकर लोगों से बातचीत करना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी। और हमारे प्रधानमंत्री के साथ तो बड़ा बहुत सारे IFS अधिकारी होंगे, बहुत सारे दूत होंगे जो उन्हें मार्गदर्शन देंगे, लेकिन राहुल गांधी ने जो कुछ किया वो खुद के बूते पे किया, वो अपनी फोर्स खुद है। तो प्रधानमंत्री से उनकी उनका कोई जोड़ नहीं की जा सकती। एक तरफ सत्तारूढ़, अगर प्रधानमंत्री कहीं भी जाएंगे तो प्रधानमंत्री ही होंगे। तो राहुल गांधी ने अमेरिका में जो छाप छोड़ी, अमेरिका में जो डंका बजाया और अमेरिका में जो उन्होंने कहा, वो न केवल भारत के लोगों ने सुना बल्कि दुनिया के लोगों ने सुना। और ये अच्छी बात है कि अमेरिका में उसके अच्छे प्रतिध्वनियां सुनाई दे रही है कि राहुल गांधी ने वहां जाकर क्या कहा, उसकी प्रतिध्वनियां क्या है। भारत को लोग बेहतर तरीके से जान रहे हैं और समझ रहे हैं, और उसका अच्छा नतीजा ये निकलेगा कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत सारे ऐसे काम जो वे अब तक करते आए हैं वे शायद आगे न करें। राजीव जी, बिल्कुल, भारत का प्रधानमंत्री कोई भी होता, आप कह रहे हैं, तो अमेरिका जाता ही, क्योंकि ये बायलिटरल मीटिंग है दोनों की, दोनों देशों की, और दो साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं। जो बाइडेन जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से पहली बार